सीरियल उडारिया का आज के एपिसोड में आपने देखा कि जैस्मिन किस तरीके से आज भी तेजो से बेपनाह नफरत करती है, लेकिन तेजो आज भी जैस्मिन को प्यार करती है और उसे यही सलाह दे रही है कि कनाडा जाने के बाद कभी भी कुछ गलत मत करना जैस्मिन, हमेशा फतेह का हाथ थामना और हमेशा कोशिश करना सही राह की ओर चलना। यहाँ पर ये भी कहती है तेजो कि वादा करो जैस्मिन कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगी, लेकिन ये सब बात भला कैसे जैस्मिन को हजम होगी। वो कहती है कि लेक्चर देना बंद करो, तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो क्योंकि मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब ये लेक्चर तुम किसी और को देना। ये सब बोलने के बाद जैस्मिन जो है कहती है कि तुम भी अब जल्दी से शादी कर ही लो, और वैसे भी ये नकली जो तुम्हारी सगाई हुई है ना, जब घर वालों को पता चलेगी तो सोचो क्या बीतेगी उन पर। तेजो कहती है कि वो छोड़ दो, उन्हें कैसे समझाना है, क्या करना है वो मैं कर लूंगी। वेल, ये तो हुई आज के एपिसोड की बात, जहां आपको बताते चले कि अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में तेजो और फतेह का आमना सामना होता है, जहां फतेह तेजो से यही कहेगा कि तेजो मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम खुश रहो, मेरे जाने के बाद भी तब कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं हमेशा वाहेगुरु से यही दुआ करूंगा। अब तेजो भी यही कहेगी फतेह से कि तुम्हारी भी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए पुरानी बात भूल जा। और इधर जैस्मिन अपने घर में फुल तमाशा कर रही है, कोई भी उसे जो है अहमियत नहीं दे रहा है, लेकिन जैस्मिन खुद को अहमियत दे रही है। अब जो है वो अपनी विदाई अपने ही घर से खुद से कर रही है, खुद से वो चावल फेंक कर बाहर निकल रही है। सारे घर वाले जैस्मिन की इस हरकत से परेशान है, तेजो के मुंह पर भी वो चावल फेंकती लावा फेंकती है और फिर ये कहती है कि अब मैं अपनी विदाई खुद कर रही हूँ और खुद से सारी रस्में भी निभाऊंगी क्योंकि अब मुझे कनाडा जो निकलना है। और वह अभी आपको बताते चले कि यहाँ पर अब जो है जैस्मिन के पापा का गुस्सा फूट पड़ेगा और जैस्मिन का सामान वो पोटली में बांधेंगे और हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे और कहेंगे कि भूल कर भी इस घर में दोबारा कदम मत रखना। देखना दिलचस्प ये होता है कि अब आगे इस शो में कौन सा बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।